की जान गई है। सवाल यह कि आखिरकार कसूरवार कौन है इन जिंदगियों का। बहुत शुक्रिया मोहित, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं, बात किसान आंदोलन की करते हैं। आपको बताएं, चंडीगढ़ में कल किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। इस दौरान खबर यह भी कि अब रविवार को चौथे दौर की बातचीत के लिए सहमति बन गई है। तब तक किसानों ने शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने का ऐलान किया है। इस बीच किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आज हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। इधर दिल्ली और यूपी में भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए किस तरह के हालात। हालांकि देखिए, अब बातचीत का दौर एक बार फिर होना है रविवार को। ऐसे में कयास ये लगाए जा रही कि शायद सब कुछ सही हो जाए और जो ये दिक्कतें लोगों को हो रही है और कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है रास्ते पर रोड पर वो भी अपने अपने खेतों की ओर लौट जाएंगे। तो देखिए, शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी को भारी उपद्रव हुआ। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस अब उपद्रवियों पर सख्त एक्शन की तैयारी में है। उपद्रवियों की पहचान के लिए बकायदा तस्वीरें और वीडियो जारी कर लोगों से मदद की अपील की जा रही है। पूरी रिपोर्ट। अंबाला का शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन का एपिसेंटर बन गया है। पुलिस और किसानों की भिड़ंत के बाद बॉर्डर धुआं धुआं हो गया था। सरकार दिल्ली को अराजकता का बंधक बनाने से बचाने की कोशिश में है। इसी कोशिश में जोर आजमाइश दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश करने वाले किसानों पर पुलिस टियर गैस दाग रही थी, तो कुछ उपद्रवी पुलिस को निशाना बना रहे थे। किसानों की भीड़ में घुसे उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे थे। किसान आंदोलन में घुसे उपद्रवियों पर पुलिस सख्त एक्शन की तैयारी में है। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर में उपद्रव करने वाले किसानों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं, जिसमें कुछ किसान पुलिस की ओर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इन उपद्रवियों ने अपने मुंह को कपड़े से छिपा रखा है। उपद्रवियों के हाथ में डंडे दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपद्रवी पुलिस बैरिकेड के पीछे छिपकर पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। पत्थर फेंकते हैं और फिर बैरिकेड के पीछे जाकर छिप जाते हैं। कुछ उपद्रवी पत्थरों को तोड़कर छोटा कर रहे हैं ताकि उन्हें दूर तक फेंका जा सके। पुलिस उपद्रवियों को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उत्पात मचाते रहे। अब इन्हीं उपद्रवियों को पकड़ने के लिए बाकायदा वीडियो तस्वीरें जारी की गई हैं। ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। एक DSP रैंक जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी पत्थर से ही चोट लगी थी, और 25 में से हमारे 7 जवान तो इसके हैं, हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। हरियाणा पुलिस ने ये वीडियो और तस्वीरें जारी कर आम लोगों से इन उपद्रवियों की पहचान करवाने में मदद करने की अपील की है, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी, और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। केंद्र सरकार MSP का अर्थव्यवस्था पर असर समझने और तमाम पक्षों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब से हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली फतह करने की घोषणा के साथ बढ़ रहे किसान फौरन कानून चाहते हैं। अब इसी को लेकर सरहदों पर कोहराम मचा है। साथ ही कुछ उपद्रवी हालात का फायदा उठाने की कोशिश में है, लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जिस पर अंबाला पुलिस सख्त हो गई है। टीम न्यूज नेशन।